आज बना रहे लच्छा पराठा विद गार्लिक एंड हरा धनिया। ये मैंने सादी रोटी का ही आटा लगा रखा है, इसके अपन गोला तैयार कर लेंगे और इसको सादी अपन रोटी बेलते ना वैसे ही बेलना है। इधर मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियां, कम से कम 15-20 लहसुन की कली और ये बारीक हरा धनिया काट लिया है। अब ये जो अपन ने रोटी बेली है ना, थोड़ा सा बड़ा लोया लेंगे रोटी के आटे का, उस पर ये सबसे पहले अपन थोड़ा सा घी लगाएंगे जिससे इसके लच्छे अच्छे बनेंगे। घी लगाया, फिर ये लहसुन में ना थोड़ा सा पानी डाल दिया क्रश करके। ये लहसुन को ऐसा रोटी पे लगा देंगे, एकदम इजी से लग जाती है। देखो ये हरा धनिया, ये ऐसे लगाया, ये रोटी पे ऐसा हरा धनिया और लहसुन का ऐसा पेस्ट लगा लिया, चिपका लिया है अपन ने। अब इस रोटी को अपन ऐसे फोल्ड करेंगे 1 इंच ऐसे, फिर वापस फोल्ड करेंगे। एक मोड़ना है, फिर एक सीधा मोड़ना है, एक उल्टा मोड़ना है, एक सीधा मोड़ना है और एक उल्टा मोड़ना है। ये रोटी को अपन ने फोल्ड किया, अब ये गोल ऐसा किया, ये अपना लच्छे का तैयार है। अब इसको अपन बेल लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। आज मैंने दाल मखनी बनाई और दाल मखनी के साथ में ये लच्छा पराठा गार्लिक विद धनिया वाला लहसुन का पराठा बहुत अच्छा लगता है। इसको डालते हैं, एक और बनाते हैं। अपने नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा वो लेना है गोला, ये देखो मैंने इतना बड़ा लिया है। अपन पराठा बनाते ना पराठे से भी थोड़ा सा बड़ा, इसको वही रोटी जैसा बेला। एक बार और ट्राई, इसकी ये मोटी रोटी अपने थोड़ी सी बेल ली। इस पे घी लगाना है, ये मैंने घी लगा दिया, जैसे अपन पराठे पे लगाते हैं वैसे घी लगाया। अब इस पे अपन ये जो गार्लिक का पेस्ट है, ये गार्लिक का पेस्ट लगा रही हूं अच्छे से। ये हरा धनिया लगा रही हूं मैं, बहुत सुंदर लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। ये लगाया, अब इसको अपने को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए अपना पराठा लिया, 1 इंच का लिया, फिर उसको सीधा फोल्ड किया, फिर वापस ऐसे फोल्ड किया, एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छी, और इसको वापस रोल कर लेंगे अपन, ऐसे रोल बनाना है और ये वो करना है। ये रोल बनने पे एकदम गोल बहुत सुंदर हो जाता है। इधर अपना पराठा पलट देते हैं जब तक कि पराठे पे अपने, आपके पास बटर हो तो बटर लगाना बहुत टेस्टी बनेगा, और घी है तो अपना घी तो बस ऐसे करके उसको अपन बेल लेते हैं।
अच्छे से दबा दबा के इसको कुरकुरा होने तक सेक लो, उसके एकदम प्रॉपर लच्छे दूसरा पराठा ऐसे रहे। देखो एक एक लच्छा खुल रहा है, बहुत बढ़िया बनेगा। और कलर देखो एकदम बढ़िया कलर, खाने में बहुत टेस्टी। दाल मखनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, आप भी जरूर ट्राई करें। देखो एक एक लच्छा खुल रहा है, देखो इसको वो करके एक और बना रही हूँ, बताती हूँ। दूसरा पराठा भी अपन इसको घी लगाते हैं, पलट देते हैं। गरम है, इसको अच्छे से दबा के अपन सादा पराठा रोटी तो बनाते हैं, पर कभी इस तरह का भी ट्राई करना, आपकी नॉर्मल सी सब्जी में भी एक नया टेस्ट आ जाएगा। और बटर के साथ बनाओगे तो और बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं अभी घी लगा रही हूँ, एक एक लच्छा खुल रहा है। ये अपना दूसरा लच्छा पराठा भी तैयार है। एक एक लच्छे की परत खुल रही है, देखो बिल्कुल ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है लच्छा पराठा विथ गार्लिक एंड हरा धनिया। और बटर हो तो प्लीज बटर ही इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक लच्छा पराठा बिल्कुल खुले हुए लच्छे, देखो।